नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस गुरु चैनल में। दोस्तों, आज हम एक्सेल में सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं या उसकी मेथड क्या क्या है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक फॉर्मूला, एक मैन्युअली। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एक्सेल में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों, एक साइन यूज़ करते हैं जिसका नाम है एस्टेरिस्क। और ये जो साइन है दोस्तों, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर जो राइट साइड का कीबोर्ड है दोस्तों, जो न्यूमेरिक कीबोर्ड बोलते हैं उसे, वहाँ पे ये साइन है इस तरीके से। दोस्तों देखिए, ये साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करता हूँ देखिए। सिंपल है दोस्तों, एक्सेल में अगर आप कोई भी फंक्शन या कैलकुलेशन करना चाहते हैं, फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इज इक्वल टू साइन देनी पड़ती है। चलिए, हमने इज इक्वल टू साइन कर दिया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 × 2 करना है दोस्तों, तो इंटू के लिए साइन कौन सी है, एस्टेरिस्क, देखिए ये वाली। उसके बाद आपको करना है 2 और कीबोर्ड की एंटर की प्रेस कीजिए, आंसर है 10। तो ये रिजल्ट जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इस फॉर्मूला को हम शो करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 5 × 2 × 3 चेक करते, ये भी कैलकुलेशन होता है। जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो ये भी होगा 20, 5 × 2 10, 10 × 2 20। ठीक है दोस्तों, और एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, इज इक्वल टू 5 × 2 + 2 × 4। अब चेक करेंगे दोस्तों आंसर क्या आता है, 18। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 18। और एक सिंपल सा एग्जांपल, वही एग्जांपल मैं अलग तरीके से लिखूंगा दोस्तों। देखिए, 5 × 2, इस 2 को हम ब्रैकेट में डालते हैं दोस्तों, 5 + 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर दोस्तों 80। देखिए दोस्तों, क्या डिफरेंस है इनमें, 5 × 2 = 10 हो गया दोस्तों, और 4 × 2 = 8, दोनों की प्लस हुई 18। और यहाँ पे थोड़ा अलग हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, 2 + 2 = 4, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इसमें और इसमें ये फ़र्क है दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, ये PEMTAS ये रूल फॉलो करते हैं इस कैलकुलेशन में, इसी रूल में ये कैलकुलेशन होता है दोस्तों। आपको मैं छोटा सा समझा देता हूँ, पी मतलब क्या है दोस्तों, पैरेंथेसिस, ई का मीनिंग है एक्सपोनेंट्स, एम का मतलब है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, डी का डिविजन, एडिशन। तो ये दोस्तों इनका मीनिंग, PEMTAS मतलब कोई भी कैलकुलेशन दोस्तों, पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस सॉल्व करने के बाद एक्सपोनेंटियस, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद जो बचा है डिवीजन, वो डिवीजन कर देंगे, डिवीजन करने के बाद एडिशन, ये प्रोसेस फॉलो करता है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन रहता है दोस्तों, यही नियम से, यही रूल से वो प्रोसेस करता है। हिंदी में दोस्तों पैरेंथेसिस को कोष्टक कहते हैं, एक्सपोनेंट्स को कहते हैं घातांक, मल्टीप्लिकेशन को गुना, डिवीजन को भाग, एडिशन को जोड़ और सब्ट्रैक्शन को कहते हैं
क्या करना है, इसको बोलते कम करना या घटाओ बोलते इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए ये एक तरीका है एक्सेल में आप मल्टीप्लिकेशन करने का। दूसरा तरीका भी आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों। एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक फंक्शन है दोस्तों, उस फंक्शन का नाम है प्रोडक्ट। ये हम फंक्शन यूज करेंगे दोस्तों कि इससे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे कि देखिए, अगर यहां पे मैंने कुछ नंबर्स अपडेट किए, 3, 5, 2, 2, 4, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी मैं यहां पे दोस्तों अप्लाई करने वाला हूं प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन में दोस्तों आप नंबर की सीरीज भी दे सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन एस्टेरिस्क साइन से कर सकते हैं तो प्रोडक्ट फंक्शन यूज करने का क्या उपयोग है, क्या यूज है दोस्तों। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ये 10-12 नंबर का या 3 नंबर 10 से ज़्यादा 5 नंबर, अगर आपके पास नंबर्स ज़्यादा है दोस्तों, तो आप मल्टीप्लिकेशन करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी दोस्तों, आपका टाइम भी जाएगा। इसलिए जहाँ पे नंबर की सीरीज है दोस्तों, तो वहाँ पे आप सिंपली प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन किस तरह से यूज करने वाला हूँ, देखिए दोस्तों मुझे तो प्रोसेस करना है ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस जो है हम प्रोडक्ट फंक्शन में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए इज इक्वल टू साइन और फंक्शन का नाम लिखिए प्रोडक्ट। जैसे आपने प्रोडक्ट फंक्शन स्टार्ट किया दोस्तों, यहाँ पे टिप्स में क्या लिखा देखो, प्रोडक्ट ओपन ब्रैकेट number 1, number 2, इसका मतलब आप इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स, मल्टीपल नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन इन नंबरों के बीच में आपको सेपरेट करने के लिए कॉमा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कॉमा है, बराबर है। चलिए अप्लाई करते हैं, पहला नंबर हमारा ये वाला है, फिर उसके बाद कॉमा है, फिर हमें ये नंबर प्लस ये नंबर। ये देखिए दोस्तों ये क्या है, A12, A13, ये रेफरेंस लिया है, नंबर का रेफरेंस लिया है। अब बिना रेफरेंस के भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप रेफरेंस लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इजी जाएगा दोस्तों। हम पहले बिना रेफरेंस का करके देखते हैं दोस्तों। चलिए 5, 2, 2, 4 ब्रैकेट क्लोज कीजिए। तो प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर हमने मैन्युअली नंबर्स लिखे दोस्तों, एंटर करेंगे तो आंसर आ गया 80, जो है ये वाला आंसर, बराबर है दोस्तों। अभी हम ये मैन्युअली भी करके यहां पे देखा है दोस्तों, तो आंसर यही है, लेकिन इससे क्या होगा दोस्तों, देखिए आपको ये मैन्युअल नंबर डालने पड़ रहे हैं, बराबर है। चलिए हम एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेंगे कि जहां पे हम पूरी रेंज का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इस तरफ लिखता हूं, देखिए क्या है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल। हमें चाहिए 5 प्रोडक्ट, मैं लिखता हूँ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, उसके बाद कार, उसके बाद लेंगे चार रखेंगे दोस्तों। क्वांटिटी में देखिए, मैं ऐसे ही सिंपल सा अपने एग्जांपल के लिए डेटा बना रहा हूं दोस्तों। अगर मोबाइल मान लीजिए 2 लिए है आपने, कंप्यूटर 5 लिए, लैपटॉप 3 लिए, यहां पे कार 1 है, इनकी एक सिंपल सी प्राइस देता हूं दोस्तों, देखिए 5, 4, 3, 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर मोबाइल आपके पास 2 है और यूनिट प्राइस उसकी 5 है, तो आंसर आएगा 10। लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर, हम मैन्युअली ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे दोस्तों, सिंपल है। चलिए लीजिए ये नंबर, कॉमा लीजिए ये नंबर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे 2 नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे 5 दिख,
इन नंबर का रेफरेंस लिया है, सेल नंबर लिया है यहाँ पे दोस्तों, बस ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए आंसर आ गया। माउस से सिंपली आपको यहाँ पे ये प्लस साइन को पकड़ना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो सबका मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आ गया दोस्तों। इस तरीके से आप टोटल निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसमें हमने अलग अलग तरीके से मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का सीखा है दोस्तों। लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।